हेलो एवरीवन, हम पार्टनरशिप का चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं। इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रमेश नीमो एंड बीना इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद एन इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 5:8:3 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 1 ईयर बीना डबल्ड हिज इन्वेस्टमेंट एंड नीमो मेड हिज इन्वेस्टमेंट 1.5 टाइम्स। आफ्टर 1 मोर ईयर रमेश डबल्ड हिज इन्वेस्टमेंट। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स दे अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपी 1,34,000। फाइंड द शेयर ऑफ नीमो इन दी प्रॉफिट। देखिए, आज का कुछ फर्स्ट क्वेश्चन देख करके आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। लंबा इस सेंस में कि हमने जब पहले के क्वेश्चंस किए थे वहां पर 1 ईयर का टाइम फ्रेम होता था, मैक्सिमम 2 का होता था। अब यहाँ पर 3 ईयर का टाइम फ्रेम हो गया। और यहाँ पर एक चीज और हो रही है, क्या हो रही है कि कंटिन्यूअसली कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। कुछ लोगों का आना है, फिर कुछ लोगों का जाना है। कुछ लोग मतलब कुछ लोग आने जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर लोगों से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा जितना आपके अमाउंट से पड़ता है। कि फर्स्ट ईयर में किसी का इन्वेस्टमेंट कुछ था, सेकंड ईयर में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट चेंज कर दिया, फिर थर्ड ईयर में पता चला कि उन्होंने या फिर बाकी और किसी ने चेंज कर दिया। तो करना वही है जो हमने इससे पहले के बेसिक में सीखा है। अगर हमें प्रॉफिट का रेशियो चाहिए तो प्रॉफिट का रेशियो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? प्रॉफिट का रेशियो हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रेशियो से। और जितने भी लोग हैं उनके बारे में लिखना शुरू करते हैं। हमारे 3 लोग थे यहाँ पर, रमेश नीमो एंड बीना। लिखिए, ये हो गया आपका रमेश, ये हो गया आपका नीमो और ये हो गया आपका बीना। बराबर है। अब इनका है था 5:8:3, तो इसने 5 किया, नीमो ने 8 किया और बीना ने हमारे 3 इन्वेस्ट किया। अब बोला आफ्टर 1 ईयर बीना डबल्ड हिज इन्वेस्टमेंट। आफ्टर 1 ईयर के बाद बीना ने अपना इन्वेस्टमेंट डबल किया। मीन्स बीना ने पहले जो 1 लगाया था ये 1 ईयर तो था ही, अब इसके बाद में इसने अपना इन्वेस्टमेंट क्या किया, डबल किया। मैं एक काम करता हूँ, मैं टाइम को नीचे में डबल टाइप में डबल लाइन कर देता हूँ और इन्वेस्टमेंट को ऐसे लिखा रहने देता हूँ। ये आपका मल्टीप्लाई ना होकर के आपका प्लस होगा। फिर प्लस में क्या किया, आगे जाकर के इसने क्या किया है कि आफ्टर 1 ईयर बीना डबल्ड हिज इन्वेस्टमेंट। पहले बीना का इन्वेस्टमेंट था 3, अभी डबल कर देगी इन्वेस्टमेंट तो कितना हो जाएगा उसका, 6 हो जाएगा। अब बोला है नीनो नीमो मेड हिज इन्वेस्टमेंट 1.5 टाइम्स। नीमो ने अपना इन्वेस्टमेंट 1.5 टाइम्स कर दिया। और कब किया है, 1 ईयर की बात है। तो नीमो ने पहले जो 8 रुपीज या फिर 8 रेशियो जो इन्वेस्ट किया था वो 1 ईयर रहेगा। और इसके बाद प्लस में क्या किया, नीमो ने अपना इन्वेस्टमेंट 1.5 टाइम्स कर दिया। 8 का 1.5 टाइम्स बच्चों क्या होता है, देखिए जब भी किसी भी नंबर का आपको 1.5 टाइम्स कहने को बोला जाए तो आप उस नंबर में उसका हाफ ऐड कर दिया करो। तो 8 का 1.5 टाइम्स करना है तो 8 में 8 का हाफ 4 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया अब इसका, 12 हो गया। अब बोला आफ्टर 1 मोर ईयर। अब आफ्टर 1 मोर ईयर का मतलब क्या है कि देखिए 1 ईयर यहाँ पर हो चुका, आफ्टर 1 मोर ईयर मीन्स है कि 2 ईयर हो चुके। रमेश डबल्ड हिज इन्वेस्टमेंट। अब रमेश अपना इन्वेस्टमेंट डबल्ड करता है तो देखिए अभी तक 2 सालों तक रमेश ने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो 2 सालों तक उसका इन्वेस्टमेंट वही स्टार्टिंग वाला 5 रहेगा। और इसके बाद में रमेश क्या कर रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर रहा है। 5 का डबल आपका हो जाएगा 10। अब बोला एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। हाँ, तो बस यहाँ पर बात पकड़ी गई, ये कंक्लूडिंग लाइन आपकी यहाँ पर मिलती है कि एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स मतलब है कि 3 साल आपके पास में है। तो अगर नीमो का ये अमाउंट 1 तक था तो बाकी 2, ये 1 तक था तो बाकी बाद में आपका 3 ईयर, और रमेश का पहले 2 ईयर था तो ये आपका हो जाएगा 1 ईयर। बराबर है। तो अभी आपकी पहली लाइन बन गई। मैंने आपको बोला है कि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो 20% क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप ग्रैस्प करने लगते हो, आपके पकड़ में होता है। और एक बार क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो 50%। और अगर उसके बाद आपने उसकी फर्स्ट कंक्लूडिंग लाइन लिख ली, फर्स्ट आपने लाइन लिख ली जहां पर आपके उसके क्वेश्चन बने कि कैसे सॉल्व करना है, क्या लिखना है, तो 100% क्वेश्चन फिर आपकी पकड़ में होता है। क्योंकि इसके बाद सब कुछ आपका सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। हम करके हर एक क्वेश्चन में हर एक दिन में हम यही देख रहे हैं, करते हैं अभी। ये आपका हो जाएगा 5 2 10 + 10, ये आपका आ जाएगा 20। नीमो का आपका आ जाएगा 8 1 8 एंड 12 2 24, 24 + 8 आपका आ जाएगा 32। बीना का आपका आ जाएगा 3 1 3, 6 3 18, 18 3 आपका आ जाएगा 21। बराबर है। किसी कॉमन नंबर से कट नहीं रहे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे रहने दीजिए। अब बोला है एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स दे अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपी 1,34,000। फाइंड द शेयर ऑफ नीमो इन द प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इनका रेशियो में कितना है बच्चों, इन्हें ऐड कर लो, 213,303, 235,527। तो टोटल प्रॉफिट इनका जो रेशियो में है वो है 73। और इस 73 में से बेटा नीमो का प्रॉफिट कितना है, क्योंकि नीमो का हमसे पूछा हुआ है, नीमो का है 32। और मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल प्रॉफिट हमें जो मिला है 134,000। ये आपका किया क्या था, रमेश नीमो एंड बीना का इन्वेस्टमेंट था आपका 583। हमने 583
एंट्री इनका इन्वेस्टमेंट दे दिया। अब था आफ्टर 1 ईयर बीना डबल हिज इन्वेस्टमेंट, तो बीना के पैसे जो पहले थे 1 ईयर तक रहे, फिर इन्वेस्टमेंट डबल किया तो 3 का डबल इन्वेस्टमेंट हो गया 6, ठीक है। और फिर इसके बाद में क्या था कि नीमो मेड हिज इन्वेस्टमेंट 1.5 टाइम्स, तो नीमो का पहले 8 था, 1.5 टाइम्स किया तो 12 आ गया। अब आफ्टर 1 मोर ईयर का मतलब है कि 2 साल बीत गए, तो पहले का जो 5 था वो रमेश ने 2 टाइम्स लगा के रखा है, और इसके बाद रमेश ने क्या किया, डबल कर दिया इन्वेस्टमेंट, तो 5 का डबल 10 कर दिया। अब था एट द एंड ऑफ 3 ईयर, तो जब 3 ईयर हुए तो यहाँ पर आपका 2 ईयर हो चुका था, तो 1 ईयर ये रहा, यहाँ 1 ईयर हो चुका था, 2 ईयर यहाँ पर रहा, और यहाँ पर बीना वाले में देखिए ये मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, ये इसे करेक्ट कीजिएगा। 1 ईयर अगर पहले आपका बीत चुका है तो बाकी के 2 ईयर हो गए, तो आपका हो गया 6 2 आपका हो जाएगा 18। तो आपका बीना में कितना हो जाएगा, देखिए आपका था 5 2 10 10 प्लस 10 20, नीमो में आपका 8 1 8 12 2 24 24 प्लस 10 8 32, बीना में देखिए 3 1 3 3 प्लस 6 2 12, ये आपका आ जाएगा 3 प्लस 12 15, ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 2 7 0 7, आपका आ जाएगा 3 1 4 2 6, टोटल प्रॉफिट आपका कितना जाएगा 67। और इस 67 में से आपसे नीमो का प्रॉफिट पूछा, नीमो का प्रॉफिट है 32 और मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट की आपकी वैल्यू है 134,000 बराबर 67 टू जा बेटा आपका 134 होता है, तो 2000 आपका आ गया, और 32 मल्टीप्लाई 2 32 टू जा 64,000 के 3 0 आपका आ गया 64,000, आंसर फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका, फोर फ्रेंड्स अमित कुशल हेमा एंड नेमा इंटर इंटा पार्टनरशिप, अमित है, कुशल है, हेमा है, नेहा है, पार्टनरशिप में आते हैं, इन्वेस्टमेंट इन दी रेशियो 8:7:11:4, अमित का 8 है और आपका कुशाल का 7 है, अब फिर हेमा का आपका है 11 और नेहा का आपका है 4। अब बोला आफ्टर 1 ईयर नेहा डबल्ड हर इन्वेस्टमेंट, डबल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि फर्स्ट ईयर में तो जो था 4 हो गया, इसके बाद डबल के इन्वेस्टमेंट, तो 4 2 आपका हो गया 8 आफ्टर 1 ईयर नेहा डबल इन्वेस्टमेंट, आफ्टर 1 मोर ईयर कुशाल डबल हिज इन्वेस्टमेंट, आफ्टर 1 मोर ईयर का मतलब क्या है कि कुशाल का इन्वेस्टमेंट पहले वाला 2 ईयर तक रहा, इसके बाद इसने अपना इन्वेस्टमेंट डबल किया, तो 7 2 आपका हो जाएगा इसका 14। एंड बोला एंड हेमा लेफ्ट, एंड हेमा लेफ्ट का मतलब क्या है, जो आपका टाइमिंग था आफ्टर 1 मोर ईयर कुशाल डबल हिज इन्वेस्टमेंट एंड हेमा लेफ्ट, मींस आफ्टर 2 ईयर के बाद हेमा लेफ्ट हो जाती है, मींस हेमा का जो भी इन्वेस्टमेंट था सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर तक रहा। अब एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स मीन 3 सालों के बाद में, अब देखिएगा अमित के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, तो अमित आपका पूरे 3 साल रहा होगा। At the end of 3 years, they earned a total profit of rupee. यहाँ पर आपके सामने blank है, blank space भरना पड़ेगा. And the share of Kushal in the profit is which of the following options satisfy the given condition? यहाँ पर आपको एक-एक option को check करना पड़ेगा. But पहले उस equation तक पहुँचते हैं. 3 साल था. अमित 3 साल हो गया. Kushal का 2 multiply 1, 3 year हो गया. हेमा 2 साल के बाद चली गई business से बाहर, partnership से बाहर. और नेहा का आपका 1 year हो गया. बाद वाला आपका 2 year. तो 3 3 year सभी का कंप्लीट कर लिया, हेमा 2 में चली गई थी। अब इसे सॉल्व करते हैं, 8 3 24 7 2 14 14 14 14 plus 14 आपका हो जाएगा 28 ये आपका आ जाएगा 22 और ये आपका आ जाएगा 4 1 4 8 2 16 16 plus 4 आपका आ जाएगा 20। तो देखिए रेशियो में आपका टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 28 और 22, इसका 2 आप इसे दे दो तो 30 plus 20 आपका हो जाएगा 50, ये आपका 30 plus 20 हो जाएगा 50, 50 plus 20 70, 70 plus 24 ये आपका जाएगा 94 बराबर है। तो पूरा प्रॉफिट आपका बेटा कितना आएगा, पूरा प्रॉफिट आपका आएगा 94। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को चेक करो, तो ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग आपके क्या होना चाहिए, 94 की वैल्यू है 94,000 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए हम चेक कर रहे हैं, 94,000 के बराबर, मल्टीप्लाई कितने का हुआ आपका 1000। हमसे किसका बताना है, कुशाल का बताना है, कुशाल का कितना बेटा आपका, कुशाल का आपका है 28, तो 28 की वैल्यू आपकी होनी चाहिए 28,000। तो आपका फर्स्ट वाला सेटिस्फाई नहीं करता है। सेकंड को अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में, तो देखिए ये आपका क्या होगा, 94 की वैल्यू अगर 121 है तो 28 कितना होगा, 28 इक्वल होगा आपका 121,000 अपॉन में 94 के। आप अगर 2 से कट भी करोगे इसे 94 को, तो उसके बाद में आपका आगे में नहीं कटेगा, या इसके देख लेते हैं लिख के, अगर हम करें इसे 1 2 1 1 2 3 आपका कितना है 94 94 1 94 ये आपका हो जाएगा 21 27
270 हो गया आपका, ये आपका अगर हम 100 थ्री ज़ा भी करें टू ज़ा भी करें, देखिए ये आपका कट नहीं होने वाला है, ये आपका लास्ट में अगर इसे कट करोगे नीचे 47 ऊपर आएगा, तो ये आपका ये 22,000 तो कहीं से भी आंसर नहीं आने वाला, तो सेकंड वाला भी आपका कहीं ना कहीं चला गया। थर्ड वाला अगर आप ये चेक करो, ये आपका जो थर्ड वाला है, और ये हमें ऑप्शन ए बी सी ना करके ये हम फर्स्ट सेकंड थर्ड चेक करें उसे लिखते हैं। हमने फर्स्ट वाला चेक किया हमारा नहीं आया, सेकंड चेक किया नहीं आया, थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड के बारे में क्या है, 141,000, देन आपका है 42,000, तो 94 की वैल्यू आपका यही था इन सभी का, 20, 22, ठीक है हाँ 94 अगर हम यहाँ पर करें तो आपका आ जाएगा, हमें निकालनी है 28 की वैल्यू, हमें पूछा गया है कुशाल का प्रॉफिट, तो 28 इक्वल आपका होगा 141,000 अपॉन में आपका आ जाएगा ये, आपका मल्टीप्लाई बाय होना चाहिए था यहाँ पर 28 करके, ये कट नहीं रहा था, ये नीचे आ जाएगा आपका 94 और मल्टीप्लाई बाय 28। अब देखिए 2 से अगर आप इसे कट करो तो 4 ज़ा 7 ज़ा, और 2 से अगर आप इसे कट करो तो 14 टाइम्स, और 47 से इसे आप कट करोगे तो आपका 3 ज़ा में कट जाएगा, ये आपका 3 ज़ा में कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 40 43 ज़ा 120, 7 3 ज़ा 21, 3 ज़ा में जाएगा तो ये आपका आ गया, और 43 ज़ा आपका आ जाएगा 42,000, ये आपकी 28 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42,000। आपका थर्ड मैच कर रहा है, सेकंड को भी एक बार करके देखते हैं, अगर से कट करें तो 214 टाइम्स, 247 टाइम्स, अब 47 से आपका 121 नहीं जाने वाला है, इसलिए आपका सेकंड और फर्स्ट वाला कट हो गया था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर सी ओनली थर्ड। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपको, इस तरह का क्वेश्चन आपको क्लरिकल मेंस में देखने को मिल सकता है, अच्छा क्वेश्चन था, काफी बढ़िया था, बीच में जब ब्लैंक स्पेसेस आती हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में कुछ नहीं करना है, आपको दिया गया जो भी ऑप्शन है उन्हें आपको नो डाउट अच्छे से चेक करना है, और ध्यान दीजिएगा यहीं पर आपकी कैलकुलेशन की असली परीक्षा असली टेस्ट होता है आपका, कि अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है एक्यूरेसी अच्छी है तो ऐसे क्वेश्चन आप इजिली कम समय में कर सकते हो। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, करण जूही एंड लाली इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, तीन लोग हैं करण जूही एंड लाली, ये पार्टनरशिप इन्होंने की, इन्वेस्टमेंट ऑफ 45,000, 30,000 एंड 70,000, ठीक है करण ने किया 45,000 तो हम 45 लिख रहे हैं, जूही ने किया आपका 30,000 तो हम 30 लिख रहे हैं, हम लास्ट के 1,000 1,000 को स्किप कर रहे हैं, आगे लाली होगा तो लाली ने आपके किया 70,000। आफ्टर 1 ईयर करण इन्वेस्टेड रुपी पी मोर, 1 ईयर के बाद, मीन्स ये इतना 1 ईयर तो रहा ही और उसके बाद में इसने पी और इन्वेस्ट किया, मीन्स इसका इन्वेस्टमेंट अभी हो गया 45 प्लस पी, कितने टाइम के लिए अभी क्लियर नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा के लिख लिया है, जू इन्वेस्ट रुपी 2 पी मोर, इसका भी उसी 1 ईयर के बाद में ही है, तो जूही ने अभी कर दिया इन्वेस्टमेंट 30 प्लस 2 पी, आफ्टर 1 मोर ईयर, अब आफ्टर 1 मोर ईयर का मतलब क्या है कि 1 साल तो पहले आपका बीता था ये वाला, 1 मोर मीन्स आपका है कि 2 ईयर, मीन्स 2 ईयर तक ये रहा होगा लाली का, और लाली कह रहे बोला इन्वेस्टेड रुपी 10,000 मोर, अब लाली ने पहले अगर 70 के बाद में 10,000 और किया तो आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स, मीन्स बोल रहा है कि 3 ईयर आपका टाइम फ्रेम है, 2 ईयर यहाँ हो गया तो 1 ईयर हो गया, यहाँ 1 हो गया तो यहाँ पर 2 ईयर हो गया, यहाँ 1 ईयर हो गया तो यहाँ पर आपका 2 ईयर हो गया, सभी के 3 3 ईयर्स तक हो गए, क्योंकि किसी के जाने के बारे में कुछ नहीं बोला है। अब बोला दे अंडर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ करण जूही एंड लाली 33:30:44, इनके लास्ट को उसने प्रॉफिट रेशियो दे दिया है, तो पहले इसे सिंप्लीफाई करें फिर उसके इक्वल में हम कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 45 प्लस 90 प्लस 2 पी, रेशियो में 30 प्लस ये आपका आ जाएगा 32 ज़ा 60 और प्लस आ जाएगा आपका 4 पी, ये आपका आ जाएगा 140 और प्लस में आ जाएगा 80, सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा 135 प्लस 2 पी, ये आपका आ जाएगा 90 प्लस 4 पी और ये आपका आ जाएगा 00148, आपका आ जाएगा 22 220। हमें इनका रेशियो दे रखा है 33:30:44। अब आप इसमें से किन्हीं भी दो रेशियो को आपस में इक्वल करके उनका आंसर निकाल सकते हो, और उन्हीं लोग जिससे आपका कैलकुलेशन इजी रहे, अगर हम इन दोनों को लें तो आपका कितना आ जाएगा,
जब कहा जाएगा 44 मल्टीप्लाई 90 प्लस 4p इक्वल में आपका जाएगा 30 मल्टीप्लाई 220। ठीक है, अगर 22 से काटें तो 2 में कट जाएगा ये, तो ये आपका इधर आ जाएगा 9 2 18 0 प्लस 2 4 8p, और सामने में आपका आ जाएगा 30 10 300, क्योंकि ये 0 आपका बचा हुआ है। अब p की वैल्यू आप निकालोगे तो 180 दूसरी ओर जाके आपका माइनस होगा, तो बचेगा 120, और 120 में अपॉन में आपका नीचे आएगा 8, और 8 से जब आप कट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 15। तो p की वैल्यू बेटा आपकी कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15। और देखिए, मैं स्टार्टिंग से 1000 1000 स्किप करते रहे ना, तो अब इस 1000 को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 15000। आंसर आपका आ जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर 15000। 15 आया हमारा, और स्टार्टिंग से देखिए हम 1000 की जगह पर 1000 को हटा करके नंबर्स लिख रहे थे, 45000 था तो 45 लिखा, 35000 तो 30 लिखा, तो अभी हमारा जब 15 आया तो हम उसे क्या मानेंगे, 1000 ऐड कर देंगे, 15000 आंसर इसका। अभी आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आकाश, विजय, शिला एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद एन इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 9:5:7। आकाश ने 9 किया, विजय ने 5 किया, शिला ने 7 किया। आफ्टर 1 ईयर कुणाल ज्वाइन, इनके बाद में एक और आदमी आता है कुणाल, ज्वाइन दे विद एन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एवरेज ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ आकाश एंड शिला। आकाश एंड शिला के एवरेज इन्वेस्टमेंट के बराबर वो इनको ज्वाइन करता है ला करके। तो देखिए बेटा, आकाश का कितना, आकाश का 9 है, शिला का कितना 7, 9 7 16। एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज, 16/2 करोगे तो कितना आएगा 8। मींस कुणाल ने कितने इन्वेस्टमेंट के साथ ज्वाइन किया, 8 के साथ ज्वाइन किया। अब बेटा आफ्टर 1 मोर ईयर विजय डबल्ड, आफ्टर 1 मोर ईयर विजय डबल्ड, यानी क्या है, 1 ईयर बाद में तो कुणाल आया, 1 मोर ईयर मींस विजय का पैसा पहले 2 साल तक रहा, इसके बाद उसने डबल कर दिया इन्वेस्टमेंट, तो अभी इसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 5 2 10 हो जाएगा। अब बोला एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, मींस बाद वाला इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक रहा आपका, 1, कुणाल आफ्टर 1 ईयर के बाद आया था, 3 ईयर है तो कुणाल का इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक रहेगा, 2 ईयर के लिए रहेगा। शीला और आकाश के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो इनका पूरा इन्वेस्टमेंट पूरे ऑल द टाइम 3 ईयर्स के लिए रहा, बराबर है इतना। अब करते हैं इसे, दे अर्न अ टोटल प्रॉफिट, फाइंड द शेयर ऑफ कुणाल इन द प्रॉफिट, ये आपका आ जाएगा 9 3 27, ये आपका आ जाएगा 5 2 10, 10 10 10 10, ये आपका आ जाएगा 20, और ये आपका आ जाएगा 7 3 21, और कुणाल का आपका आ जाएगा 16। कुणाल का शेयर देखना है, देखिए कुणाल का शेयर आपका 16 है, टोटल प्रॉफिट कितना, इन्हें ऐड कर लो, 6 1 7 7 7 14, कैरी आया 1 1 2 2 4 2 6 2 8, ये आपका कितना आ जाएगा 84। तो 84 में से कुणाल को 16 का प्रॉफिट देना है, और टोटल प्रॉफिट जो है उससे आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, 84 2 168 होता है बेटा आपका, तो आपका जाएगा 16 2 32000 आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन देखने में आपको बड़े लग रहे हैं, थोड़े से लेंथी से, बट उनका सॉल्यूशन देखिए कितना ही छोटे लाइन का था आपका, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में आपका डायरेक्टली आंसर आ गया है, बराबर है, हार्डली एंड हार्डली 3 लाइन का क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन की लेंथ से मत घबराइएगा, क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए कि क्वेश्चन में क्या करने को बोल रहा है, एक बार वो समझ में आ गया तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। और आपका सबसे बेसिक जो चीज लग रही हो आपकी, क्या लग रही है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से ही आपका प्रॉफिट का रेशियो मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पी क्यू आर स्टार्टेड अ बिजनेस, तो लिख लेते हैं पी क्यू आर बाय इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट इनका है 5:7:9। After 5 months, Q added 40% more than the initial investment. पहले जितना था उसमें 40% Q ने और add कर दिया। तो देखो 5 month तक तो जितना था उतना ही रहा। तो 5 month तक इतना था। अब इसके बाद इसने 40% add कर दिया। तो 7 का Q added 40% more than the initial investment. अब देखिए पहले अगर इसका 7 है तो इसका 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 40% निकालेंगे तो आपका decimal बजाने लगेगा। तो एक काम करते हैं, हम इसे थोड़ा 0 के साथ मानते हैं तो आपका ये ठीक रहे, थोड़ा सा स्पेस भी ले लेते हैं, पी क्यू आर इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया 5 7 9। आफ्टर 5 months क्यू एडेड 40% मोर देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एंड आफ्टर अनदर 2 months, आफ्टर अनदर 2 months पी विथड्रॉस 2/5 ऑफ द
इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 10 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, क्यू लेफ्ट द बिजनेस, फाइंड द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ द शेयर ऑफ पी आफ्टर 1 ईयर इज ₹550,000. मतलब क्या है कि आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने से भी पहले पता चल गया है कि आपका 1 ईयर का टाइम फ्रेम रहने वाला है. तो अभी लिखते हैं क्यू के बारे में. बोल रहा है क्यू एडेड 40% मोर देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो आपको क्यू की वैल्यू कुछ इस तरीके से माननी होगी कि वहां से आपको 40% निकालने में डेसिमल का सामना ना करना पड़े. तो हम एक काम करते हैं कि हम 100-100 मान लें, ये 500, ये 700, ये 900, तो हमारी भी ये मुश्किल कम हो जाएगी 5 मंथ के बाद. तो इतना 5 मंथ तक रहा होगा. अब 5 मंथ के बाद 40% बढ़ाया, तो देखिए बेटा 700 का 40% आपका कितना होगा, 70 × 4, ये आपका होगा 280. 280 को ऐड कीजिए 700 में, ये आपका आ जाएगा 980. और यहाँ पर बोला था कि एट द एंड ऑफ द 10 मंथ्स आप फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस क्यू लेफ्ट द बिजनेस, क्यू 10 मंथ के बाद चला जाएगा. तो 5 मंथ तक इतना रहा, तो बाकी का पैसा भी 5 मंथ तक लगा रहा होगा. क्यू की कहानी सॉल्व हो गई. अब आगे आपका आफ्टर अनदर 2 मंथ्स, यानी 5 मंथ तो यहाँ पर हो चुका था, 2 मंथ हो गया, मीन 7 मंथ के बाद पी विदड्रॉज, यानी ये इतना उसका 7 मंथ तक रहा. आजकल पी ने विदड्रॉ कर लिया, कितना विदड्रॉ कर लिया, 2/5. तो देखो बेटा 500 का 2/5 आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 100 कटा, 2/5 आपका हो जाएगा 200. 2/5 वो विदड्रॉ करता है, 200 निकाल लिया तो कितना बचा उसका, 300. और इसके बाद पी के जाने के बारे में कोई बात नहीं है. और एंड ऑफ द 1 ईयर का सौदा है, पूरा आपका पार्टनरशिप है, इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है. तो 7 मंथ ये हो गया, तो बाकी बचा हुआ पैसा उसका 5 मंथ. अब आर, आर के बारे में कुछ दे रखा है क्या कहीं पर कि उसने कुछ किया क्या, उसने कोई गड़बड़ घोटाला किया इसमें, नहीं किया. तो आर पूरा आपका 1 ईयर के 12 मंथ तक रहेगा. बराबर है इतना. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बट देखिए कहीं से भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, लिखते बराबर देखिए सब कुछ क्लियर हो जा रहा है. उनका इन्वेस्टमेंट था 579, अब क्यों 40% मोर ऐड कर रहा है आपके 5 मंथ के बाद में, तो मैंने उसे 100 में मान लिया कि जिससे 40% निकालना हमारे लिए इजी हो जाए. बराबर है, तो ये हमने कर लिया. अब था कि एंड आफ्टर अनदर 2 मंथ्स पी विदड्रॉज 2/5, तो पी ने 2/5 अपना विदड्रॉ कर लिया, तो 2/5 विदड्रॉ करेगा 500 में से, तो 300 बचेगा. अब बोला एट द एंड ऑफ 10 मंथ्स क्यू लेफ्ट द बिजनेस, तो 5 महीने ये पैसे रहे, 5 महीने ये रहे, 10 मंथ हो गए. अब है कि फाइंड द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मीन सभी का टाइम फ्रेम कितना है, 12 मंथ. तो हमने 12 12 कर लिया, क्यू 10 पर चला गया, तो इसका 5 5 10 मंथ का है ड्यूरेशन. अब करते हैं सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो इन सभी में एक एक जीरो है, आप एक एक जीरो मार सकते हो. अगर हम 70 50 70 90 मान दे तो भी हमारा काम हो जाता. अब इसके बाद 7 5 35, ये आपका आ जाएगा 350 प्लस 3 5 15 0 150, ये आपका आ जाएगा 350 प्लस में 9 5 45 8 5 40, ये आपका आ जाएगा 490. 5 8 40 के लिए 4, हाँ ये आपका आ जाएगा 1080. अब इन्हें सॉल्व कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 0 5 5 10 3 1 4 1 500, ये आपका आ जाएगा 0 9 5 14 4 3 7 1 8, ये आपका आ जाएगा 1080. 1 0 1 0 1 0 गया है आपका. आपका भी ये क्या बोल रहा है कि इफ द शेयर ऑफ पी आफ्टर 1 ईयर इज 50,000. अब देखिए अभी पी का शेयर हमारे पास बचा है 50, और कट नहीं करते हैं क्योंकि यहीं से हमारा भी एग्जैक्टली सामने में डिजिट वैसे मिल रही है. पी का है 50,000, कितने का मल्टीप्लाई हुआ 50 में, 1000 का मल्टीप्लाई हुआ. हमसे पूछा है कि टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट देख लो बेटा रेशियो में कितना आएगा आपका, 8 4 12 12 का 2 करिए 1, 8 1 9 9 5 14 करिए 1 1 कितना गया 2, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ये आपका कितना आ जाएगा. पी का था इफ द शेयर ऑफ पी आफ्टर 1 ईयर इज 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 था, किया हमने 8 4 12 का 2 करिए 1, 8 5 13 1 14 का 4 करिए 1 1 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तब का जाएगा, एक में मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई फैक्टर में मिला है 1000 का, तो आपका आ जाएगा 242,000 रुपीज आंसर. आपका ये रहा ऑप्शन नंबर बी. बराबर है, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव हुई ये चीजें, तो कैलकुलेशन तो आपको बेटा जैसे जैसे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा वो आपको मिलने ही वाला है. तो अपने बेसिक्स पे स्टिक करके रखिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को याद रखिए. कॉन्सेप्ट आपका है पार्टनरशिप का, कि प्रॉफिट का रेशियो लेना है आपको तो इन्वेस्टमेंट टू टाइम का रेशियो निकालना पड़ेगा.
हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देन मल्टीप्लाई में टाइम कर रहे हैं, तो ऐसे करने से आपके सभी आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स से बेटा आपका, दिलीप नितिन एंड बालक इंटर इनटू अ पार्टनरशिप। दिलीप है, नितिन है, बालक है, और इन्होंने लिया 25,000, 40,000 एंड 30,000। तो दिलीप ने 25,000 लिया, नितिन ने 40,000 लिया और बालक ने 30,000 लिया। आफ्टर वन ईयर मानस ज्वाइंट, इनके बाद में एक और आदमी आता है मानस, और मानस ज्वाइन करता है इन्हें वन ईयर के बाद में विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 45,000। आफ्टर वन मोर ईयर दिलीप इन्वेस्टेड रुपी 15,000। देखो आफ्टर वन ईयर ये आया, आफ्टर वन मोर ईयर का मतलब है कि दो साल के बाद। तो दिलीप का जो पहला पैसे था वो दो साल तक लगा रहा, उसके बाद दिलीप ने 15,000 इन्वेस्ट किया। पहले 25 था, अभी 15 हो गया, तो 25 प्लस 15 आपका हो जाएगा 40,000। और उसी दो साल के बाद वाली बात है कि नितिन विड्रू 10,000, तो इसका भी पैसा दो साल तक लगा था और इसके बाद इसने 10,000 निकाल लिया। तो 40 से 10 निकाला, इसके पास बचा भी 30। अब बोला एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स दे अर्न द टोटल प्रॉफिट। अब एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स बोल रहा मीन्स बाकी सभी आपके तीन साल कंप्लीट करने हैं आपको पूरे इन्वेस्टमेंट के। देखो बालक आपका स्टार्टिंग से था तो ये थ्री ईयर तक रहेगा। मानस कब आया था? मानस बेटा आपका आया था आफ्टर वन ईयर, वन ईयर के बाद में आया। टोटल टाइम ड्यूरेशन थ्री ईयर है, तो कितने टाइम तक रहेगा? टू ईयर तक रहेगा। टू ईयर तक रहेगा, बराबर है ये। अब देखिए फाइव से इसके सभी टर्म कट सकते हैं। फाइव फाइव जा, फाइव एट जा, फाइव टेन जा, सॉरी फाइव एट जा, फाइव एट जा 40, फाइव सिक्स जा 30, फाइव सिक्स जा 30, फाइव नाइन जा 45। अब कर लीजिए, फाइव टू जा 10 प्लस 8 वन जा 8, यहाँ पर 8 टू जा 16 प्लस में 6 वन जा 6, 6 थ्री जा 18, आपका 9 टू जा 18। अब 10 प्लस 8 18, 16 प्लस 6 22, 18 18। हमें बोला है कि दे अंडर टोटल प्रॉफिट ऑफ 152, फाइंड द एवरेज ऑफ शेयर्स ऑफ नितिन एंड मानस इन द प्रॉफिट। अभी ये फिर से टू से कट सकता है, 9 11 9 9। अब देखिएगा बेटा, ये आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 9 थ्री जा 27, 27 प्लस 1 28, और प्लस ये आपका हो जाएगा 38, और ये बराबर है आपके 152,000 के। अब ये आपका होता है 38 फोरजा, तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलेगा यहाँ पर 4,000 का। हमें बताना है एवरेज शेयर्स ऑफ नितिन एंड मानस। तो नितिन बेटा आपका है 11 और मानस आपका है 9। इन दोनों को आप जब एवरेज निकालो तो एवरेज होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ क्वांटिटीज हो गया 11 प्लस 9, नंबर ऑफ क्वांटिटीज दो है तो 2, ये आपका आ जाएगा 20 अपॉन 2, ये आपका आ जाएगा 10। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4,000 का है, तो 10 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई कीजिए 4,000 का, आपको बेटा अभी कितना मिल जाएगा? 40,000 रुपीस आंसर आपका हो गया 6 का ऑप्शन नंबर डी। बराबर है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी है, और जो भी जैसा बताया जा रहा है उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ते जाना है। अभी क्वेश्चन नंबर 7, पी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट, आफ्टर 5 मंथ्स पी लेफ्ट एंड क्यू ज्वाइन द बिजनेस by investing 62.5% of P's investment. बराबर है? अब after 7 months, Q left and R joined the business by investing double of Q's investment. If at the end of T months, profit share of Q and R together is 62.5% more than that of P, then find the value of T. ठीक है, P, Q, R है आपके। P ने एक business start किया। Suppose P ने start किया आपके 100 से। अब बोला आफ्टर 5 मंथ्स पी लेफ्ट, ये 5 मंथ तक रहा फिर चला गया। अब क्यू ने ज्वाइन किया अभी यहां से और बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 62.5% ऑफ पीस अमाउंट। अब 100 हमने इसलिए माना कि 100 का 62.5 निकालना आपके लिए काफी ज्यादा इजी होगा। जितना भी परसेंट आपको निकालना हो 100 की उतनी ही वैल्यू आपकी परसेंट में आ जाती है। अब बोला आफ्टर 7 मोर मंथ्स, आफ्टर 7 मोर मंथ्स क्यू लेफ्ट, यानी आफ्टर 7 मोर मंथ्स का मतलब है कि और आगे के 7 मंथ तक ये रहा क्यू लेफ्ट। And R joined the business by investing double of Q's investments. अब इसका double आप करेंगे तो 52 जा 100, 12.52 जा आपका जाएगा 25, ये आपका जाएगा 125, क्योंकि Q का double invest कर रहा है। हाँ, R joined the business by investing double of Q's investment. If at the end of T months,
अब एट द एंड ऑफ टी मंथ्स प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू एंड आर टुगेदर इज 62.5% मोर देन दैट ऑफ ई, देन फाइनली वैल्यू ऑफ टी. अब यहां पर है कि टी को किधर लगाना है, बोला है कि एट द एंड ऑफ टी मंथ्स के एंड के बाद में, टी मंथ्स के एंड के बाद में, मतलब ये कि पूरा पूरा जो भी बिजनेस है पूरा टी मंथ तक रहा, तो आर कितने टाइम तक रहा? देखो पहले 5 मंथ पी रहा, बाद में 7 मंथ आर रहा, सॉरी क्यू रहा, तो टी कितने टाइम तक रहेगा? 7 + 5, इन दोनों के जाने के बाद आया, तो टी माइनस 12 टाइम तक आपका आर रहेगा, बराबर है? देखिए अभी देखने समझ में यही आ रहा है कि एट द एंड ऑफ टी मंथ्स प्रॉफिट शेयर बोला, मींस ये है कि बिजनेस पूरा पूरा आपका कितना है, टी मंथ का. अब आर कब आया है? पहले पी 5 मंथ रहा, फिर नेक्स्ट 7 मंथ क्यू रहा, उसके बाद आर आया, तो आर के पास में टाइम कितना है कि इन्वेस्टमेंट टू टाइम निकाले हम, तो टी माइनस में 12, बराबर है? अब इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा, अगर हम करें तो इसे 12.58 जा आपका होता है 100, 12.5 5 जा होता है आपका, और 12.5 10 जा होता है आपका, ये तो आपका जाएगा 85 जा 40, ये आपका आ जाएगा, एक सेकंड, अभी आपका 5 से भी कट रहा है, अभी कट कर देता हूं तो छोटी हो जाएंगी चीजें, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आपका आ जाएगा 8:7, रेशियो आपका आ जाएगा 2t - 24. हमें दे रखा है एट द एंड ऑफ टी मंथ्स प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू एंड आर टुगेदर इज 62.5% मोर देन दैट ऑफ पी. क्यू और आर का एक साथ में प्रॉफिट, तो हो जाएगा 7 + 2t - 4, ये आपका आ गया क्यू और आर का टोटल प्रॉफिट. दिया ना कि प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू एंड आर टुगेदर इज 62.5% मोर देन दैट ऑफ पी. अब पी का कितना है? पी का आपका 8. अब इससे आपका 62.5% मोर देन है. अब देखिए ये आपका कितना है, ये वाला पार्ट आपका 62.5% मोर देन है, तो हम एक काम करें इसे भी 62.5% से बढ़ा दे, दोनों बराबर हो जाएंगे. तो अगर वैल्यू पहले 100 रही हो, 62.5 से बढ़ा दे, तो अभी कितना हो जाएगा, 162.5 upon 100, बराबर है ये? बोला था प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू एंड आर टूगेदर इज 62.5% मोर देन दैट ऑफ पी, 62.5% मोर देन दैट ऑफ पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी. तो आपका हो गया क्यू का शेयर 7, ठीक है, हाँ. इसके बाद में R का शेयर आपका हो गया 2t - 24, और ये आपके 62.5% मोर देन है. ये मोर देन है तो हमने इस साइड को भी अपना बढ़ा दिया, इससे कर दे तो 1000 हो गया आपका. अब 8 से अगर आप करते हो तो आपका 125 टाइम्स जाता है, और अब करो तो 525 टाइम्स, और 5 से करो तो 3 जा 2 जा 5 जा, और 25 से अगर आप करोगे तो ये आपका जाएगा 1 जा, फिर 7 आएगा तो आपका आएगा 75 आएगा 25 3 जा 25 25 10 जा फिर 3 जा, हाँ ठीक है. तो 7 प्लस इसे आप यहीं से सॉल्व कर लो, 24 में से 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, माइनस का आपका बचेगा ये 17, दूसरी हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तब आपको हो जाएगा 13 + 17, तो 2t इक्वल आपका जाएगा 30. तो t इक्वल बेटा आपका कितना आ जाएगा, t इक्वल आपका आ जाएगा 15 मंथ्स. तो आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी 15, बराबर है? देखिए सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन में उसने लास्ट में क्या दे रखा था, उसने दे रखा था कि प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू एंड आर टुगेदर, तो क्यू और आर के प्रॉफिट शेयर का हमने सम कर दिया. अब ये बराबर है 62.5% मोर देन है दैट ऑफ पी, तो अगर इस साइड का शेयर आपका 62.5% मोर देन है, अगर इस साइड का शेयर आपका 62.5% मोर देन है, तो हम दूसरे साइड वाले को भी उतना ही बढ़ा दें. तो हमने क्या किया, पी के शेयर 8 को इतने से बढ़ा दिया, तो हमारा आंसर आ गया, सॉल्व कर लिया इक्वेशन, तो हो गया. अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपका, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग. तो लिखते हैं, ए ने इन्वेस्ट किया एक्स, बी ने इन्वेस्ट किया एक्स प्लस 5000, सी ने इन्वेस्ट किया एक्स प्लस 10000, बराबर है रिस्पेक्टिवली. After 6 months के बाद A invested रुपी 10,000 more. तो पहले जो पैसा था वो उसका 6 month तक रहा, और उसके बाद में उसने 10,000 और invest किया, तो इसका हो जाएगा भी X plus में 10,000. But C withdrew रुपी 8,000. C ने 8,000 निकाल लिए. तो C ने अगर 8,000 निकाल लिए, तो देखो बात कब की है, 6 month की. यानी इतना पैसा तो इसका 6 month तक रहा. उसके बाद जब इसने 8,000 निकाले, तो X plus 10,000 में से 8,000 निकाल लेगा, तो इसका बचेगा X plus 2000,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द शेयर ऑफ ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 25 25 26। अब इसका मतलब है कि देखो, जब भी मैंने बोला है कि ईयर या आपके सामने टाइम के बारे में कुछ भी ना दे रखे है, तो सिर्फ एक एनुअल मानोगे। एक एनुअल का मतलब है 12 मंथ। तो पहले 6 मंथ हो गए तो नेक्स्ट हिस्सा भी 6 मंथ तक, पहले 6 मंथ हो गए तो नेक्स्ट हिस्सा भी 6 मंथ तक, और बी के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो ये पूरे पूरे 12 मंथ तक रहा होगा आपका। बराबर है? अब सभी में 6 6 12 दिख रहा है, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 15 6 16 12 16 16। बराबर है आपका ये? अभी आपका कितना आ जाएगा, x और प्लस का है कि आपका आ जाएगा 2x प्लस आपका ये आ जाएगा 2x के बाद आपका आ जाएगा 10,000 था, 10 कम रहेगा 10,000, और यहां पर आपका आ जाएगा 2x प्लस आपका आ जाएगा 10,000, और ये आपका आ जाएगा 2x प्लस में आपका आ जाएगा 10,000 प्लस आपका 2,000, ये आपका आ जाएगा 12,000। अब उसने जो इनका रेशियो दे रखा प्रॉफिट का, 25 रेशियो 25 रेशियो 26, अगर आप इन दोनों रेशियो को ले लो तो आपका काम बन जाएगा। 25 25 इक्वल है, तो जब मल्टीप्लाई में जाएंगे तो ये कट जाएंगे अपने, तो फिर ये आपका आ जाएगा, एक सेकंड, हाँ एक मिनट, ऐसे आपको पूरा ही पूरा कटता हुआ दिख रहा है। देखते हैं क्या किया हमने, ए बी सी का जो भी इन्वेस्टमेंट था एक्स था, एक्स प्लस 5,000 था लिख लिया, और सी में आपका कितना था, एक्स प्लस 10,000 था, वो लिख लिया। यहां तक क्लियर है सभी को? अब बोला है आफ्टर 6 मंथ, यानी इतना इन्वेस्टमेंट जो था वो 6 मंथ तक इनका लगेगा ही लगेगा। ए इन्वेस्टेड रुपी 10,000 मोर, तो अभी ए का इन्वेस्टमेंट हो गया एक्स प्लस 10,000, और 6 मंथ पहले कर दिया, लास्ट में टाइम फ्रेम नहीं दे रखा, तो हम क्या मानेंगे कि इन्होंने पूरा 1 ईयर के लिए किया होगा, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय इनका 6 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय इनका हमने 6 कर दिया है। इसके बाद बी के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो पूरा पूरा 12 मंथ लगा हुआ है ये, और सी का जो था तो सी का ये पार्ट 6 मंथ था, फिर बोला की है कि 6 मंथ के बाद उसने विदड्रू किया 8,000, तो 10,000 में से 8,000 विदड्रू कर लेगा, तो इसके बाद बचेगा एक्स प्लस 2,000, फिर 6 6 है, हमने 6 से डिवाइड मार दिया, x प्लस x 2x प्लस में 1000, यहाँ पर आपका x प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 10,000, यहाँ आपका x प्लस x 2x और प्लस ये आपका जाएगा 10 टू 12,000। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपका कट रहा है तो वहां से मत करो, अब इसे कर लो। ये अगर आप करोगे तो 26 टू जाए आपका आ जाएगा 52x आ जाएगा एक साइड में, और ये आपका आ जाएगा 26 एंड देन 1 2 3 4 0, ये आपके आ जाएंगे 40 थे, हाँ इक्वल में आपका आ जाएगा 25 2 50x, और प्लस में आपका आ जाएगा 1 2 3 0 है, और 25 का 12 टाइम्स 25 2 50 कैरी है 5, 25 25 प्लस 5 आपका आ जाएगा 30, और 52x में से 50x आके माइनस होगा तो 2x बचेगा, तो x इक्वल जब आप निकालोगे तो यहां से जब आप माइनस करोगे देखिए 4 0 इसमें भी है 4 0 इसमें भी है, 30 में से 26 जाके जब माइनस होगा तो आपके बचेगा 4, और 40 बचेंगे, और 2 से डिवाइड कर दो तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 2000, तो x इक्वल आपका आ गया है 2000। उसने हमसे पूछी है x की वैल्यू 2000, 26 में से 4 गया, ये आपका हो गया 30, हाँ सॉरी ये 40 आपके थे ना, 3 3 4 0, हाँ आपका कितना गया x इक्वल 20,000 रुपीज, ऑप्शन नंबर ए। बराबर है? देखिएगा जैसे जैसे आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो उसमें आपकी कैलकुलेशन ही बढ़ती जाएगी, तो कैलकुलेशन में जब भी आपको कुछ मिस्टेक लगे तो एक बार के लिए आप रीचेक कर लो और चीजों को देख लो आपने ठीक तरीके से लिखा है क्या, अगर लिखा है देन दैट्स वेल श्योर, अब अगर आपका ऑप्शन नहीं मैच करता तो सीधे आप नन ऑफ दिस भी टिक कर सकते हो। हमने जो क्वेश्चन किया, हमने क्या किया, पहले एक्स था, फिर एक्स प्लस 5,000 था, एक्स प्लस 10,000 था, टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने जो जो चेंजेस किए हम उनको लिखते गए, और जब भी मैंने बोला है कि वो टाइम को ना दे तो उसे आप क्या करो, एक एनुअल मानोगे, एक एनुअल मीन 12 मंथ, तो अगर पहले पैसे 6 मंथ के लिए लगे तो बाद वाले कितने टाइम के लिए लगेंगे, 6 मंथ के लिए लगेंगे। इनका रेशियो दो हुआ था, देखिए बेटा यहाँ पे जब आप इनका रेशियो कर लेते हो तो यहाँ पर 25 25 कट जाता है, 2x 2x कट जाएगा, तो यहाँ से आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ से इस साइड से रेशियो लेना ठीक नहीं समझा, हमने इस साइड से रेशियो निकाला इन दोनों का, और हमारा पूरा आंसर बराबर आ गया, x इक्वल 20,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपका, अभी एंड कवि इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 8:7। अभी एंड कवि दो लोग हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया अपना 8:7 में। अब बोला इफ 25% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, मींस जो भी प्रॉफिट होगा उसको 25% चैरिटी को जाएगा, एंड द रिमेनिंग विल बी शेयर्ड बिटवीन द बोथ ऑफ देम, एंड कवि शेयर इज ₹64,400, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। अब देखो अगर इन्हें 8:7 में बांटना हो तो अभी टोटल प्रॉफिट इनका कितने होने वाला है,
15 होने वाला है, ठीक है। अब अगर कवि का शेयर 64400 है तो कवि का शेयर अभी इसमें से कितना होगा, 15 में से 7, तो 7/15 का जो आपका कवि का शेयर है, देखो कवि का शेयर आपका कितना होगा, टोटल 15 में से कवि का शेयर होगा 7, तो 7/15 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है उसने, 64400। हम एक काम करते हैं ना कि हम ऐसा मानते हैं कि जो अमाउंट इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, जो अमाउंट इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा हम उसी को 15 मान रहे हैं, ये कि जो अमाउंट इनमें बटेगा कौन से रेशियो में बटेगा, अभी को 8 रेशियो में, कवि को 7 रेशियो में। अब यहां से हमें जो मिलेगा ना वो अमाउंट हमारा क्या होगा, 75% के इक्वल होगा, क्योंकि 25% हमारा ओरिजिनल जो भी बिजनेस था उसका कहाँ चला गया, चैरिटी में चला गया। तो कवि को मिलेगा 15 अगर टोटल है तो 7 पार्ट मिलेगा, 7/15 हो गया 64400, 7 से कट कर दीजिए आप, 9 2 00, तो पूरा पूरा आपका ये 1 मींस पूरी पूरी वैल्यू प्रॉफिट की आपकी कितनी आ जाएगी, 1 मींस ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट, और ये कौन सा है, चैरिटी से पहले वाला है 75%, ये आपका आ जाएगा भी 00 हो गया, 15 2 30 कैरी आया 3, ये अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, अभी कटने लगेंगी चीजें शायद, 15 × 9200, ये आपको टोटल टोटल में मिल गया प्रॉफिट आपका, 15 यूनिट की वैल्यू आपको इतनी मिल गई है। अब ये क्या है, ये 75% वैल्यू है, क्योंकि जो पैसा हम बांट रहे हैं लास्ट में, जो पैसा हम बांट रहे हैं यहाँ, कवि का हिस्सा हमने जो लिखा था, ये जो पैसा बांट रहे हैं आपका बेटा कितना है, ये आपका 75% है, क्योंकि 25% आपका स्टार्टिंग में ही चैरिटी में चला जा चुका है। तो अगर हम टोटल प्रॉफिट को एक्स माने, एक्स हमारा है टोटल प्रॉफिट, इसका 75% बराबर में हमको ये मिला हुआ है, 15 × 9200। अब जिन लोगों ने परसेंटेज फ्रैक्शन कर रखा उन्हें पता है कि 75% की वैल्यू होती है 3/4, तो x का 3/4 बराबर है 15 × 9200 के, 3 से कट करोगे 5 जा जाएगा, ठीक है। और फिर सामने में आपका जाएगा 5 से 4 का मल्टीप्लाई हुआ, 5 4 आपका हो जाएगा 20, तो x इक्वल आपका भी हो जाएगा 5 4 आपका उधर जाएगा, तो 20 × 9200। सबसे पहले सभी जीरो डालो, 3 0 2 2 4 और 2 9 18, 184,000 आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया, ठीक है, 184,000 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। ध्यान दीजिएगा कि हम चैरिटी की ओर पहले स्टार्टिंग में ध्यान ना दे, हम देखें कि इन्हों का रेशियो में कितना प्रॉफिट है। अगर 15 है तो इसमें से कवि को मिलेगा 7 पार्ट, तो 7/15 पार्ट अगर आपका 64400 के इक्वल है, तो पूरा पूरा 1 मींस पूरी वैल्यू जो आपकी बट रही है इन दोनों में, मींस जो बट रहा हो कितना है प्रॉफिट का, 75%, ये बराबर हो जाएगा 15 × 9200 के। अब देखिए अगर टोटल प्रॉफिट को अगर आप x मानो, तो x का 75% ही एरिया है जो भी हमने बांटा। अब अगर 75% इतना है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 लिख लो, तो होता ही है 75% की फ्रैक्शन वैल्यू ही आपकी 3/4 होती है, वो लिख लिया। अब x इक्वल हमने सॉल्व कर दिया तो हमारा आ गया 1,84,000, बराबर है इतना। देखिए हमें कवि का शेयर मालूम है इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, कवि का शेयर मालूम है तो कवि के शेयर को हमने इक्वल कर दिया। अब कवि के शेयर को इक्वल करने से इन लोगों में बटा क्या था, रिमेनिंग अमाउंट बटा था इन लोगों में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना कि रिमेनिंग विल बी शेयर्ड बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड कवि शेयर इज 64400, तो हमें रिमेनिंग वाला जो अमाउंट था हमको मिल गया। और रिमेनिंग कितना होगा बेटा आपका, अगर आपने 25% चैरिटी में दे दिया तो रिमेनिंग होगा आपका 75%। तो x को अगर टोटल प्रॉफिट माने हम, तो उसका 75% इक्वल है 15 × 9200 के, तो 100% इक्वल बेटा आपका कितना होगा, तो यही आपका, इसका आप निकाल लो 3/4 कर लो, तो टोटल टोटल x आपको मिल जाएगा 184,000, बराबर है। नेक्स्ट करते हैं अभी हम अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए टू बी 3:2 and the ratio of the investment of B to C is 2:5. If the average of the investment of A and C is rupee 4,000, find the investment amount of B. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बहुत ही बहुत इजी क्वेश्चन। अभी आज भी हमने जो भी अपने क्वेश्चन छुड़ाए हैं, सॉल्व किए हैं, वो स्टार्टिंग से हमने देखा कि 6-7 क्वेश्चन तक काफी डिफिकल्ट थे। इवन अभी 9 क्वेश्चन तक भी होता ना कि डिफिकल्टी लेवल आपका धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था। अब ये आपका एक ठीक ठाक क्वेश्चन हो सकता है, बढ़िया, बिल्कुल आराम से करने लायक, अच्छा सा करिए, पढ़िए क्वेश्चन को, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल डेढ़ लाइन का क्वेश्चन है, डेढ़ लाइन का क्वेश्चन आते ही बिल्कुल मन में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई ये तो हो ही जाएगा, इसमें क्या हो सकता है।
रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ए बी का, देन बी सी का, अब एवरेज इन्वेस्टमेंट दे दिया ए सी का 4000, और पूछ रहा है कि फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ बी। करें इसको, करते हैं। ए बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपका क्या है, येलो ही रखता हूं मैं, एक सेकेंड। ए बी सी लोग हैं, हाँ आपके, रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए टू बी 3:2, रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी टू सी 2:5। अब देखिए, अब बी के लिए दो रेशियो आ गए, ऊपर में भी दो नीचे में भी दो। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अगर इक्वल नहीं होते तो उन्हें हमें इक्वल करना पड़ता। सपोज रेशियो ऐसा होता, मान लीजिए कि रेशियो आपका ऐसा हो, ए रेशियो भी आपका 3:2 और बी रेशियो सी आपका आ गया है 3:4। तो यहाँ पर देखिए बी के दो रेशियो आ गए, ऊपर में 2 नीचे में 3, तो इन दोनों रेशियो को आपको इक्वल करना पड़ता है। अगर इक्वल नहीं है तो 2 और 3 को इक्वल करने के लिए क्या करें, इनके एलसीएम तक पहुंचा दें। 3 और 2 का एलसीएम बेटा आपका कितना होता है 6, तो ऊपर वाली वैल्यू को 2 को 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, नीचे 3 को 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, ऊपर में अगर 3 से किया तो सभी रेशियो में 3 का मल्टीप्लाई, नीचे में 2 से किया तो सभी रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से ए का आपका जाता है 9, बी का जाता है 6 और सी का जाता है आपका 8, बराबर है। इस तरीके से इनका हम रेशियो निकालते हैं, ठीक, कंबाइंड करना जब इनकी वैल्यू अलग हो। अभी यहाँ पर सेम थी तो प्रॉब्लम नहीं है, बी के ऊपर में भी वैल्यू 2, नीचे में भी वैल्यू 2, तो इन सभी रेशियो को आप ऐसे ही लिख सकते हो, बराबर है। ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का कंबाइंड रेशियो आपको मिल गया, रेशियो कितना है आपका 3:2:5। हमको बोला हुआ इफ द एवरेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड सी इज ₹4000, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ये और सी का एवरेज इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है रेशियो में 3, सी का कितना है 5, इनका एवरेज निकालो आप। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो 3+5 और 2 क्वांटिटी है तो अपॉन में 2, ये आपका जाएगा 8/2। 8/2 बराबर कितना आ गया 4, ये रेशियो की वैल्यू 4 और ये इक्वल किसके बेटा आपके, ये इक्वल है ₹4000 के। कितने का मल्टीप्लाई करें हम मल्टीप्लाई करें 1000 का, बराबर है। हमसे बी पूछा है, अब देखिए हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल गया है, हमें अगर रेशियो से ओरिजिनल वैल्यू तक जाने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक बार हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल गया तो हमें जो भी रेशियो की वैल्यू चाहिए उसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें बी चाहिए तो बी में मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो आप, कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आपका आ जाएगा ₹2000 आंसर, बराबर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कहानी वैसे समझिए कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है ये आपका होती है एक यूनिट की वैल्यू। अगर आपको 4 से 4000 जाना है, देखो आप 4 से अगर आपको 4000 जाना है तो 1 की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो इस 4 से सामने में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, जाएगा 1000। तो एक्चुअली जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की मैं बार बार बात करता हूँ या टीचर सबके बात करते हैं, तो आपका क्या होता है, आपकी एक यूनिट की वैल्यू होती है। अब अगर 1 यूनिट 1000 के इक्वल है, हमें बी का बताना है 2, तो 2 यूनिट बेटा आपकी कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ₹2000, बराबर है, ठीक है। देन पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू एवरीवन।